अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ऐसा है कि हम लोग को जाना था सिनेमा हॉल थिएटर में मूवी देखने, बट कुछ रीजन के मम्मी बोले कि एक काम करो, वहाँ पे मत जाओ थिएटर में, इससे अच्छा हम घर में ही मूवी लगा देते हैं। तो वो देखो, तो देखना था मूवी रानी एंड रॉकी या फिर वो अभी नई पिक्चर मूवी निकली है ना, जवान, दोनों में से एक पिक्चर एक मूवी देखना था। अभी देख मूवी भी देखना था, तो दोनों में से कोई भी एक मूवी लगा देंगे हम लोग यानी टीवी के अंदर, और फिर रात को लाइट बंद करके स्नैक्स बच्चों के साथ, तो लोगों को जैसे सिनेमा जैसा माहौल मिल जाएगा और वो घर में एंजॉय भी हो जाएगा और मेरा वीडियो भी बन जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं। और मेरी दोनों भाभीयों की, भाई भाभी दोनों की एनिवर्सरी साथ में ही आती है, जैसे एक की 24 को आती है और एक की 25 को आती है, तो दोनों के लिए एक जैसा गिफ्ट ले ली हूँ मैं, यानी लेने जाऊँगी अभी दोनों के लिए, तो दोनों के लिए एक जैसा ही लूंगी क्योंकि दोनों मेरे लिए एक जैसे ही है, तो सिर्फ कलर अलग रखूंगी कि यानी उन लोगों को भी वो नहीं हो, खराब नहीं लगे किसी को भी कि यानी इसको ऐसा दिए उसको ऐसा दिए। वैसे दोनों भी माशाल्लाह कोई इशू नहीं करते, बट फिर भी अपने दिल में ऐसा होता है ना सोचने के लिए। तो अभी देखते हैं और फिर शॉपिंग कर लूँगी दोनों के लिए और मूवी देखते हैं। और तैबा को कल जाने का इरादा है, तो वो कैसा जाती है देखते हैं, या फिर मैं छोड़ने चली जाऊंगी या फिर उसके हस्बैंड आ जाएंगे लेने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे। कौन सा वेफर खाना है तुमको? देखो इब्राहिम, तो इसको तीनों को हाँ ठीक है ठीक है। तो वो खाना एक ही वेफर है, क्रीम एंड ऑनियन, पर तीनों अलग 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 बोलते हैं। तो तैबा कल जाने वाली है, इसके लिए आज ही हम लोग थिएटर जैसा माहौल कर रहे घर के अंदर, और ये देखो दानिश और वॉशिंग टीवी लगा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वाली जवान पिक्चर अपन एक महीने बाद देखेंगे वापिस। हाँ। अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख लो। अच्छा ठीक है, तो अभी थिएटर जैसा माहौल तैबा तेरे लिए खास, दानिश स्नैक्स भी मंगा दे, तुम भी मंगाओ, है ना? तीन घंटे की पिक्चर है, देख देख घंटा स्नैक्स चाहिए ना दानिश, क्या बोलते? हाँ तो स्नैक्स ले लेंगे ना, ऑर्डर मैं कर लेती हूँ ऑनलाइन, ऑर्डर मैं कर लेती हूँ ऑनलाइन, जीपे तू मार देना, ठीक है? देवा बड़ी बहन किस काम की है? बड़ी बहन ऑर्डर कर रही है ना, नहीं तो भाई को बोल के ऑर्डर कर देंगे। ये पिक्चर चालू हो गई है, ये सब अभी देखेंगे, होम थिएटर कनेक्ट कर रहे हैं, लाइट बंद कर लेंगे फिर चली जाएगी, तो चल गए। ओके चलो, अभी सब आराम से अपने अपनी सीट लेके बैठ गए, वॉशिंग लगा रहे हैं। हाँ हम लोग जल्दी सो गए थे, तो इसके लिए हम लोग आज इंजॉय करेंगे। अभी देखते देखते आधा इंटरवल हो चुका है मतलब, और ये सब ऑर्डर आ गया है सबके लिए। तूने मंगाई झूठी? कौन मंगाया अम्मी? मैंने मंगाया। कौन मंगाया? पैसे मम्मा के घर पूछ रहे हैं। हाँ थिएटर जाने के लिए हम लोग घर में थिएटर जैसा फिट कर रहे हैं, इसके लिए सब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब मिलते हैं बाद में आपसे। द नेक्स्ट डे, तो हम लोग टीवी देखते देखते सो गए थे, रात को 3:30-4 बज गया था टीवी देखते देखते, और फिर बाद में सुबह में मॉर्निंग में उठे, 10:30 बज रहे हैं, तो अभी उठे हैं, तो हम लोग को मिल गया है सरप्राइज। तो अभी ये देखो क्या सरप्राइज है, कई बार क्या सरप्राइज है, टंटन ये रियाजी भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज पहली बार सुबह सुबह। हाँ रुके, आज किधर घूमने जाने का प्लान करवाएंगे ना, इसके लिए मॉर्निंग में आए है ना आसिफ भाई? हाँ कल आसिफ भाई की बर्थडे थी, तो आज सेलिब्रेट करेंगे साले की एनिवर्सरी, साले की एनिवर्सरी के साथ है ना आसिफ भाई? उनका जन्मदिन है, तैबा के लिए सब कुछ। हाँ तैबा के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो जैसा आप लोग ने देखे थे कि तैबा आसिफ भाई आ चुके थे मॉर्निंग में ही, हम लोग को सरप्राइज दे दिए थे, तो अभी मैं उन लोग चले गए हैं, तैबा आसिफ भाई दोनों चले गए हैं उसके घर पे, और मेरे जो बड़े भाई भाभी हैं उनकी यानी एनिवर्सरी थी, तो मैंने ले चुकी हूँ, मैंने भी और तैबा ने भी दोनों की तरफ से, तैबा बोले तुम दे देना क्योंकि उनको लेट हो रहा था जाने के लिए, तो हम लोग गिफ्ट ले चुके हैं उनके लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके घर पे देने के लिए। और फिर कल है नौशीन और रानिश की एनिवर्सरी, दोनों की एक ही दिन आगे पीछे रहती है, तो अभी आज पहले उनको दे दूँ घर पे जाकर गिफ्ट,
अभी उनको पसंद आता है नहीं आता है, फिर बाद में हम सेलिब्रेट करेंगे डानिश एंड नौशीन के एनिवर्सरी। तो मैं आ गई हूँ मेरी बड़ी भाभी के वहाँ गिफ्ट देकर, वो भी सोए थे तो फिर मैंने इसके लिए वहाँ पे वीडियो शूट नहीं की थी, बट अभी घर पे आ चुकी हूँ तो अभी चाय वगैरह पी कर फिर देखते हैं क्या है, आज संडे है तो क्या प्लान है। ठीक है, तो ये फ्रिज भी हम मम्मी को है ना सेटिंग चेंज करने की आदत हो गई है, तेरे को फ्रिज का रख दिए, ये हमारा फ्रिज यहाँ आ गया है और दानिश इसके पीछे भी छुप गया है, तो क्यों छुप गया था? जरा तो ब्लॉग बना रही इसके लिए। अच्छा yes. ये फ्रिज क्यों बाहर आ गया, तुम लोग दोनों माँ बेटे ने फ्रिज क्यों बाहर ले लिया? मम्मी ने किया, थोड़ी किया। अच्छा अम्मी तुमको चेन नहीं है, फ्रिज क्यों बाहर ले लिए तुम दोनों माँ बेटे ने? पहले ये कबाट बाहर था फिर अंदर लिए, अभी वापस से बाहर रखे तो फिर वापस अंदर लिए, फ्रिज नया फ्रिज वैसा कर रहे तुम तो हाथ में काम होना चाहिए। अच्छा तो कुछ नहीं तो कबाट से यहाँ से वहाँ करना चाहिए, काम होना चाहिए ताकि बदन फुर्ती वाला हो। अच्छा बैठे बॉलिंग हो जाता है। अच्छा हाँ अम्मी सही बात है, काम वाली कभी कमी नहीं होना चाहिए, काम करते रहे। अच्छा अच्छा तो अब काम वाले थोड़ी ना होते हो, तो बीमार होता है नहीं तो पकौड़ी बना नहीं मिलती। तुम क्या देख रही हो झुक झुक के, मम्मी को ये मूवी देख देखी है ना? हाँ ठीक है चलो, पहले इन घर सुना सुना हो गया ना? हाँ दो दिन के अंदर कितना ची 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 सब बच्चे साथ में हुए थे, तो बुरा लगता है तो क्यों और सुना हो गया ना सब फटने लगा। अच्छा मिला। तो दानिश की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, उसने दवा वगैरह पीकर सोया था वो मेडिसिन वगैरह लेकर, फिर भी अभी उठा है तो उसको 10% ही फर्क पड़ा है, 90% फर्क हुआ नहीं है उसको टेबलेट से, तो अभी डॉक्टर के पास जाकर फिर से यानी मेडिसिन चेंज करा देते है या फिर देखते है क्या बोलते है, अभी दानिश से पहले पूछ लेते क्या हुआ उसको। मेरे को क्या हो गया मालूम है, सर्दी हो गई है, मेरे को बुखार आ गई है, मेरे को पैर दुखता है, मेरे को वायरस हो गया। कौन सा वायरस हो जाएगा मालूम है? कौन सा? हाँ क्या मालूम? खर्चा होगा उसका है? खर्चा होगा उसका, खर्चा होगा, बीमार हो जाए तो ही तो बात है ना, जब कुछ होता है तो मैं बीमार हो जाता हूँ, पैसा ही पैसा बच गया। मैं शादी के टाइम भी बीमार था, अभी भी बीमार हूँ। शादी के टाइम पे कहाँ बीमार था? शादी के टाइम में खर्चा कराता था, अब खुद के पास आए थे बीमार हूँ। तुम ही बोलो 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 बोलो, तुम्ही बोलो, बोल दिया। हाँ ठीक है, सो गाइस ये सब चलते रहता हमारे घर में, कोई किसको कुछ बोलने नहीं देता, अपना अपना मैं बड़े बन जाते, अभी क्या बोलूंगा। लोग चले तो सब चल जाता, वीडियो चालू होती है तो सब चालू हो जाता है। अच्छा सब है ना वो। सो गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही तो वीडियो को देख के सिर्फ लाइक करो बस, थैंक यू। तो ये अरकान इधर डरा रहा है इसको, इब्राहिम को क्यों डरा रहा है उसको? क्या हुआ इब्राहिम, क्यों डर के क्यों डरा रहा है भाई? देखो कौन दिया उसको ये मास्क, कौन दिया देखो ये मास्क, कौन दिया? मामा दिए। तो देखो डर लग गई, अरे नहीं करना उसको ऐसा भूत बनाए तो। तो अभी हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए और ये सरप्राइज दे चुके हैं, आप लोग ने समझ गए होंगे बच्चे लोग को देख कर ही, तो मेरे बड़े भाई भाभी आए और ये मेरे को अभी भूत बना के डरा रहा है ना। एक बार डर चुकी हूँ, दूसरी बार डरा रहा है, बोल क्या चल तुमको खाना नहीं बैठने का भूत, और ये बोल लेके परेशान है ना। तो ये हम लोग का खाना, चलो खाना खाने तुम लोग। तो हम लोग खाना एंजॉय करते हैं और मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।